एडवोकेट ईशान मिश्रा ने उठाया मंडेला कृषि मंडी का मुद्दा। जन सुनवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण मुद्दे को एडवोकेट ईशान मिश्रा ने उठाया है। अंतिम बजट सत्र 2022-23 में मंडेला में नई कृषि मंडी खोलने की घोषणा की गई थी, जो सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। जन सुनवाई के दौरान एडवोकेट ईशान मिश्रा के द्वारा इस मुद्दे को कलेक्टर व एसडीएम के सामने रखा गया, जिस पर उन्होंने इसके बारे में पता करने की बात कही है। एडवोकेट ईशान मिश्रा ने कहा कि पिछली सरकार के अंतिम बजट सत्र 2022-23 में मंडेला में नई कृषि मंडी खोलने की घोषणा की गई थी, जो कि सिर्फ घोषणा बनकर रह गई है। धरातल में इस संबंध में कोई काम नहीं हुआ है। चिड़ावा सिंगाना सड़क मार्ग बस स्टैंड लाल चौक पर नहर की मांग को लेकर किसानों का धरना किसान सभा के बैनर तले जारी है। धरने को करीब 150 दिन से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया जा रहा है। धरने पर बैठे धरनार्थियों का कहना है कि शेखावाटी में पानी की किल्लत के चलते कालाबाजारी व चोरियां होनी शुरू हो चुकी है। 100% कामयाबी मिलेगी। रात हम पानी इकट्ठा करते हैं सर पे लाकर, उस पानी की रातों रात चोरियां हो जाती है। मतलब आप समझते हैं कि पानी की कालाबाजारी हो रही है? हाँ, पानी की कालाबाजारी हो रही है। हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि हमें पानी चाहिए। पेट्रोल पंप पर तेल भरवाकर 5,000 रुपए का कैश छीनकर हुए फरार। उदयपुर वाटी कस्बे के जयपुर रोड स्थित शेखावाटी फीडिंग स्टेशन भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप पर गुरुवार की देर शाम को दो कैंपर गाड़ियों में 500 का तेल भरवाकर वहीं पेट्रोल पंप से 5,000 रुपए नकद लेकर फरार होने की सूचना पुलिस को लगी। पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया। पेट्रोल पंप सेल्समैन नरेश कुमार पुत्र प्रहलाद राम ब्राह्मण ने उदयपुर वाटी थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिस पर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करते हुए तुरंत सूचना पर एक गाड़ी को सूचना के बाद नाकाबंदी कर पकड़ लिया। वहीं दूसरी गाड़ी मौके से फरार हो गई। थानाधिकारी गोपाल लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि दूसरी गाड़ी की पहचान की जा चुकी है। वहीं एक गाड़ी को पकड़ लिया गया है, जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। कैंपर गाड़ी में 4 से 5 युवक सवार होकर आए थे, जो तेल भरवा कर वहीं 5,000 रुपए छीन कर मौके से फरार हो गए थे। 7/5/2024 को अपने बच्ची को पुत्री को भगा के ले जाने का और पॉक्सो का मुकदमा दर्ज कराया गया था थाना जी पर, जिस संबंध में आरोपी गुलशन पुत्र बीरबल सैनी निवासी जहाज मावता को प्रकणाजा में बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया गया। बाद अनुसंधान उसको न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया गया। प्रकरण का अनुसंधान जारी है। अपने पेट्रोल पंप है, सुमेर सिंह जी का पेट्रोल पंप है। कल दो कैंपर गाड़ियों के चालक ने आगे 500 रुपये का पेट्रोल डीजल डलवाया था और फिर वो उनसे पैसे नहीं देकर गाड़ियों को लेकर चले गए थे। उसके बाद में सूचना आई थी कंट्रोल रूम से कि डीजल के पैसे नहीं लगाए, हमने डीओ गया था तुरंत मौके पे। शाम को उसके कुछ देर बाद में एक कैंपर को हमने वहीं पास से ही पकड़ लिया था और कैंपर थाने में खड़ी है और इस संबंध में अनुसंधान जारी है। नहीं, गाड़ी के ओनर मालिक है, उनसे बुलाया जा रहा है और चालक जो थे जिन्होंने डीजल के पैसे नहीं दिए थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और कार्रवाई की जा रही है। सर, कल रात की घटना है, कल शाम की घटना। झुंझुनू में आज दोपहर 3 बजे के बाद मौसम अचानक बदल गया। धूल भरी आंधी चलने से आसमान में गुबार छा गया, जनजीवन प्रभावित हुआ। वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, जो जहां था वहीं ठहर गया। धूल भरी आंधी से जिले में कई जगह नुकसान होने की सूचना भी है। इससे पहले गुरुवार रात को भी धूल भरे तूफान ने जमकर कहर ढाया था। इन साइड छप्पर हवा में उड़ गए, पेड़ व खंभे जमीन से उखड़ गए। खेतरी उपखंड के अशोक नगर में पेड़ गिरने से मां बेटी की मौत हो गई, बिजली निगम को भारी नुकसान हुआ था। इधर मौसम में बदलाव होने से तापमान में भी असर पड़ा है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री पर आ गया है, इससे पहले न्यूनतम तापमान 30 डिग्री के करीब पहुंच गया था। वहीं अधिकतम तापमान 43 डिग्री के आसपास पहुंच गया था। तापमान घटने से आमजन को गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिली है, लेकिन धूल भरी आंधी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार मौसम में आए बदलाव का असर 2-3 दिन और रहने की संभावना है। इससे जिले में बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना रहेगी। मौसम विभाग ने आज भी जिले में आंधी व बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई है।
बाढ़ आपदा प्रबंधन ओलावृष्टि संबंधित सभी आवश्यक तैयारियां करें सुनिश्चित, जिला कलेक्टर ने दिए आदेश। झुंझुनू जिला कलेक्टर चिन्मी गोपाल ने कहा कि बाढ़ व अतिवृष्टि आपदा से निपटने के लिए सभी अधिकारियों की तैयारी इस प्रकार की होनी चाहिए कि किसी भी समय किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटा जा सके। बाढ़ से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों में समन्वय होना जरूरी है। जिले में बाढ़ व जल भराव की स्थिति के दौरान बचाव व राहत कार्यों में व पूर्व तैयारियों के लिए बाढ़ आपदा प्रबंधन की बैठक जिला कलेक्टर ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में ली। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को मानसून व पूर्व सभी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ व जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए मिट्टी के कट्टों, पानी को निकालने के लिए मोटर्स व सभी आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उपखंड अधिकारियों व अधिशासी अधिकारियों को भी जल भराव वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। जल भराव वाले स्थानों की फेंसिंग करवाने व चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं।